गणपति बप्पा के आगमन की शुरुआत हो चुकी है। सभी गणेश भक्त अब अपने अपने पंडालों को सजाने में जुट चुके हैं। ऐसे में हम आपको ले चलते हैं भिवंडी के धामनकर नाका, जहां पर भिवंडी शहर की एकमेव नंबर वन झांकी बनाने का और गणेश भक्तों का दर्शाने का कार्य करते हैं संतोष शेट्टी जी। उनके माध्यम से इस बार भिवंडी शहर में हम आपको बता दें कि संत तुकाराम महाराज गाथा मंदिर, जो कि पुणे के देहू गांव की है, इस मंदिर की बात की जाए तो इस मंदिर का झांकी जो है भिवंडी के धामनकर नाके पर बनाई जाएगी, जिसकी भूमि पूजन आज नारियल फोड़कर की गई। विशेष तौर पर आपको बता दें कि धामनकर नाका मित्र मंडल स्वाभिमान सेवा संस्था के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता इस भूमि पूजन में उपस्थित थे। हिंदू धर्म अनुसार सबसे पहले तो वहाँ पर महायज्ञ का एक आयोजन किया गया, आरती की गई, उसके बाद इस भूमि पूजन को संपन्न किया गया। विशेष तौर पर हम आपको बता दें कि 10 दिनों तक की विभिन्न तरीकों की हम कह सकते हैं कार्यक्रमों का आयोजन संतोष शेट्टी के माध्यम से किया जाता है स्वाभिमान सेवा संस्था और विशेष तौर पर धामनकर नाका मित्र मंडल की ओर से। आप देख सकते हैं कि सभी वहां पर गणेश भक्त जो है काफ़ी उत्साह के साथ में इस भूमि पूजन में उपस्थित थे। पूजा पाठ करने के बाद हमारे चैनल से वार्तालाप करते हुए भिवंडी शहर का भाजपा के जिला अध्यक्ष संतोष शेट्टी, स्वाभिमान सेवा संस्था के संस्थापक अध्यक्ष ने क्या कहा इस विशेष तौर पर इस गणेश उत्सव में गणेश भक्तों के लिए, देखिए इस खास रिपोर्ट को। हर साल की तरह प्रबंध हम जो भी गए बार चूक होता है उसको सुधारते हैं, लेकिन इस बार जैसे पूरे भारत का कोई ना कोई हम लोग यहाँ मंदिर बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर स्टेट के लोग हैं। ये बार हमने ये सोचा क्या महाराष्ट्र का भी कल्चर, यहाँ बाहर से जो लोग आते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश से, तेलुगु समाज से, गुजराती, मारवाड़ी और भी इतर समाज के वो सब लोग हैं, उनको ये बार हम यहाँ के जो संत तुकाराम महाराज, आप सब जानते हो महाराष्ट्र में बहुत बड़ी आस्था है हमारे महाराष्ट्र, तो उनकी हुबहू एक मंदिर ऊना में देहू रोड में 1723 में एक छोटी सी मंदिर थी, अब उसको बहुत बड़े पैमाने में वहाँ बनाए, तो हम कोशिश किए कि संत तुकाराम जो मंदिर है उसका उधर नाम है संत तुकाराम महाराज गाथा मंदिर, मतलब वो जो भजन के रूप में वहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है, तो हम भी कोशिश करें यहाँ पे डेली सभी समाज से जो हमारे पार्केट समाज से लोग को जुड़ के जो मंदिर का जो मूर्ति रहेगी हमारे तुकाराम जी की वहाँ पे भी 24 घंटा कोशिश करेंगे कि कैसे उसका भजन गाता, जो उस मंदिर का जो स्टोरी है वो हम यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जो बाहर से जो आए तुकाराम महाराज तुकाराम तो भगवान के बारे में हर एक को जानकारी देने की हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ, तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें जनता की आवाज टीवी न्यूज़। धन्यवाद।